नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अस्पताल संचालक नाजिम अली के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित, ज्ञापन डीएम को सौंपा। थाना बाबूपुरवा अंतर्गत मकान नंबर 131/207 बेगमपुरवा निवासी नाजिम अली पुत्र स्वर्गीय अब्दुल शकूर, जो कि 10/12 वर्षों में भू माफिया का कार्य करके अवैध रूप से करोड़ों की अकूत संपत्ति अर्जित किया। ज्ञापन में जनता दल सेकुलर के नगर अध्यक्ष हामिद हुसैन ने बताया कि भू माफिया अपराधी नाजिम अली बेगमपुरवा क्षेत्र में वारिस हॉस्पिटल चिश्ती नगर में वारिस मेड सिटी के नाम से नर्सिंग होम का संचालन कर रहा है। इतना ही नहीं, नाजिम अली ने शहर के नौबस्ता गल्ला मंडी के पीछे कई मकान प्लाट अपने नाम खरीद फरोख्त किया और अपने भाई भतीजे के नाम लिया है, जो कि कई करोड़ों में है। उपरोक्त शातिर भू माफिया ने कादरी मस्जिद के पास 260 वर्ग गज का प्लाट खरीद कर 3 मंजिल का मकान बनाया। इतना ही नहीं, चिश्ती नगर में और भी मकान प्लाट खरीद फरोख्त कर चुका है। उपरोक्त अस्पताल संचालक नाजिम अली ने शुक्लागंज और नावादी क्षेत्रों में कई प्लाट लिए हैं। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो पर्दाफाश होगा। उपरोक्त शातिर अपराधी भू माफिया नाजिम अली द्वारा वारिस हॉस्पिटल मानक के विपरीत चलाए जाने पर पार्टी के नगर अध्यक्ष हामिद हुसैन, महिला नगर अध्यक्ष बबीता वर्मा, पार्टी के महासचिव इक्तेदार हुसैन रिजवी ने शासन प्रशासन से शिकायत की। जब नेता हामिद हुसैन ने नाजिम अली द्वारा अवैध रूप से बनाई गई करोड़ों की अकूत संपत्ति की निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जाँच कराकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। कानपुर से कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका, किस लिए आए थे डीएम के यहाँ ज्ञापन देने? मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, हमारे बाबूपुरवा क्षेत्र में बेगमपुरवा का रहने वाला जो वारिस हॉस्पिटल के संचालक बताता है नाजिम अली 10-12 सालों से वो भू माफिया और शातिर अपराधी है। भू माफिया का कार्य करके कई करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित की है। पूरा प्रपत्र सहित मैंने डीएम साहब को इसकी संपत्ति जांच कराने के लिए और इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मैंने मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन मैंने आज डीएम साहब विशाख जी को दिया है और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि मेरे साथ न्याय किया जाएगा। जिसने इस भू माफिया अस्पताल संचालक का विरोध किया, जिन लोगों ने भी, तो इस अस्पताल संचालक भू माफिया ने फर्जी पैसा दे दे करके तमाम थानों में मुकदमे दर्ज करा रहा है और अनसेसरी परेशान करने का काम कर रहा है। तो ऐसे भू माफिया और अपराधी जो अब आज अस्पताल संचालक बन के झूला छाप डॉक्टर नाजिम अली बना हुआ है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि योगी जी के राज्य में, माननीय मुख्यमंत्री हमारे, उनके राज्य में हमारे ईमानदार कानपुर नगर के डीएम साहब जो विधायक जी हैं, मुझे उनसे न्याय की उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और अपराधी भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी।